दूसरे हफ्ते भी कायम है फिल्म काला का जादू। जानिए क्या है सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर फिल्म काला की 11 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस न्यूज की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। ऐसी खबरें लगातार अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म काला का क्रेज न केवल भारत में है बल्कि विदेशों में भी इस फिल्म का क्रेज देखते ही बनता है। दर्शक रजनीकांत की फिल्म काला के लिए बेहद क्रेजी नजर आ रहे हैं। रजनीकांत इस फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिसे मुंबई के धारावी इलाके के लोग अपना नेता मानते हैं और उसकी सभी बातें भी मानते हैं। बात अगर अब हुमा कुरैशी की जाए तो हुमा इस फिल्म में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। फिल्म में टेंशन तब शुरू हो जाती है जब नाना पाटेकर की एंट्री होती है। नाना इस फिल्म में विलन के रोल में है जो कि धारावी इलाके पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। हमारे पास इस फिल्म की 11 डेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक अपने रिलीज के 11 दिनों में इस फिल्म ने 176 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ दीजिए बॉलीवुड खबरों से इजाजत, फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।